हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो आइज़ हैं इन पर आईब्रो होते हैं, और पर आइज़ के ऊपर जो है वो 550 आईब्रो होते हैं। और हमारा अगला जो फैक्ट है वो है हमारी स्लीपिंग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपनी लाइफ के अंदर लगभग 25 वर्ष सोने में गुजार देते हैं। तो इसी तरह का एक और फैक्ट आपके सामने है, वो ये है कि हम खुली आंखों से कभी भी छींक नहीं सकते। और हमारा नेक्स्ट फैक्ट, जो कि आप शायद जानते हो या ना जानते हो, कि हम अपनी उम्र के लगभग 6 महीने शेव करने में गुजार देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अगर आप अपनी लाइफ में बिना खाए जी सकते हैं तो वो लगभग 20 दिन, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में बिना सोए जीने की कल्पना करते हैं तो आप 11 दिन से अधिक जिंदा नहीं रह सकते। गाइस, इसी तरह के आपको और भी बहुत फैक्ट्स बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ बेल का बटन है, वो बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम कोई नई वीडियो डालें। तो गाइस, हमारा अगला जो फैक्ट है वो है कि एक व्यक्ति जो कि ज़्यादा शेड्यूल बिजी होने की वजह से खुश रहता है, वही व्यक्ति फ्री रहने की वजह से उतना खुश नहीं रह पाता जितना कि शेड्यूल बिजी रहने की वजह से रहता है। और हमारा नेक्स्ट फैक्ट ये है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों का जन्म जो है वो अगस्त महीने में होता है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट ऐसे बताऊँगा जो कि इंडिया के बारे में है। तो गाइस, हमारा पहला जो फैक्ट है वो ये है कि इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो इतना है कि लगभग वर्ल्ड का 7वां बड़ा कंट्री हमारा इंडिया गिना जाता है। और नेक्स्ट फैक्ट ये है कि शतरंज खेल की जो शुरुआत है वो इंडिया से की गई। और इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर देखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर 0 का प्रयोग किया जाता है, और इस 0 का इजाद यानी इन्वेंशन भी इंडिया के अंदर ही हुआ। गाइस, हमारा नेक्स्ट फैक्ट ये है कि अगर हम एक दिन में लगातार 14 घंटे जागते हैं तो उन 14 घंटों में से क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लगभग हमारा 1 घंटा पलके झपकाने में लग जाता है? शायद आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन अभी आप आगे से ध्यान दीजिएगा कि आप दिन में कितनी बार पलके झपकाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, दिमाग जब अपने संदेश बॉडी को या बॉडी के किसी पार्ट को भेजता है तो संदेश इतनी तेज़ी से भेजे जाते हैं कि उन संदेश भेजने की जो स्पीड होती है वो लगभग 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यही वजह है कि जब आपको चोट लगती है तो आपको दर्द साथ ही महसूस होता है। और हमारा नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लगभग 4 TB यानी कि 4 TB के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो TB है ये स्टोरेज मेजरमेंट का एक यूनिट है जो कि कंप्यूटर के अंदर भी प्रयोग होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है पेट के एसिड के बारे में, जिसे हम स्टमक एसिड भी कहते हैं। तो हर व्यक्ति के पेट में एक एसिड होता है जिसे हम स्टमक एसिड कहते हैं। वह एसिड इतना गर्म होता है कि यदि उसे स्किन पर डाल दिया जाए तो स्किन भी जल सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप खाने के बाद जो है वह पानी न पिएं, खाने के बाद पानी न पिएं। अगर हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो वह एसिड जो है
इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है रोटेशन, ब्लड की रोटेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड को जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट से ब्लड रोटेट होने के बाद पूरी बॉडी में मूव करता है, और जब वो वापस पूरी बॉडी में मूव होने के बाद उसी पोजीशन में आता है तब तक ब्लड 19,300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी, और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहते होंगे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन दबाएं, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन भी दबाएं। थैंक यू गाइज़।